आज डिस्कस करेंगे एडवांस सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर हमें पता क्या होता है, जो सन की हीट को यूज़ करके, मीन सोलर एनर्जी का यूज़ करके, सन की हीट को यूज़ करके कुकर मीन्स कुकिंग का काम करता है, खाना पकाने का काम करता है, उसको हम सोलर कुकर बोलते हैं। लेकिन जो एडवांस सोलर कुकर है वो सोलर कुकर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो सोलर कुकर था वो सन की एनर्जी को यूज़ करता था और कुकिंग करता था, लेकिन ये दिन के टाइम ही पॉसिबल हो पाता था कि हम अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर सके, क्योंकि सन की जो इसकी रेडिएशन है इसको चाहिए थी कुकिंग करने के लिए। लेकिन एडवांस सोलर कुकर में हमने कुछ फीचर ऐड किए हैं, तो वो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एडवांस सोलर कुकर किस तरह से काम करता है। तो उसकी फिगर, उसकी डायग्राम यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे यूज़ किया गया है पैराबोलिक सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर। सिंपल रिफ्लेक्टर की जगह यहाँ पे पैराबोलिक सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है, जो ये है, ये सारा सिलेंड्रिकल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। इसके बीच में है ट्यूब, यह है इंसुलेटेड ट्यूब, इंसुलेटेड ट्यूब जिसके अंदर ट्रैवल करेगा ऑयल। इसके अंदर कोई सिंपल वाटर या कुछ ट्रैवल नहीं करेगा, जो हीट ट्रांसफ़र करेगा वो करेगा ऑयल। यहाँ से कूल ऑयल आएगा, यहाँ पे कूल ऑयल होगा, ये रिफ्लेक्टर इस ट्यूब के अंदर उसको हॉट कर देगा। तो वो हीटेड ऑयल, नेचुरली जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑयल की भी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो वो जाएगा, ये है इंसुलेटेड चैम्बर, इंसुलेटेड चैम्बर, इंसुलेटेड चैम्बर, ये सारा इंसुलेटेड चैम्बर है। और ये ऑयल जाएगा इस चैम्बर के अंदर, बिल्कुल इसके अंदर, जो ये है ऑयल, यहाँ पे आएगा ऑयल, इसको हम बोलेंगे ऑयल रिजर्वायर। यहाँ पे जो हॉट ऑयल है वो अपनी एनर्जी इस रिजर्वायर को दे देगा, और ये जो हीट है ये है हमारी कुकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन जो हमने इसके अंदर कुकिंग करने के लिए रखी है, इसके अंदर कुछ भी हमने रखा है। तो ऑयल अपनी सारी हीट इसको देगा, ठंडा होने के बाद ऑयल यहाँ से तो जाएगा कूल ऑयल, जो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा हीटेड ऑयल या फिर हॉट ऑयल, क्योंकि वो यहाँ से हॉट होके आएगा। तो इस रिजर्वायर के अंदर वो अपनी एनर्जी को स्टोर करता रहेगा दिन के टाइम, लगभग दिन के टाइम, डे टाइम में 150 डिग्री सेल्सियस तक हम इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और अगर डे की नाइट की बात करें तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक भी इसके अंदर नाइट के टाइम भी मेंटेन रहता है, क्योंकि ये रिजर्वायर सारी एनर्जी को स्टोर करता रहता है, और जो ये इंसुलेशन है बाहर वो उसकी एनर्जी को लीक नहीं होने देती एनवायरनमेंट में। तो आइसोलेटेड एक प्रोसेस बन जाती है, जिससे क्या होता है कि बाहर एनर्जी नहीं जाती, जिस तरह से हमारा थर्मस काम करता है। और ये होता है कवर, ये भी इंसुलेटेड कवर है, तो ये सारे जो एनर्जी को लीक होने से बचाते हैं, और जो ऑयल है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है, जो हमारी सोलर की एनर्जी है। तो अगर हम बात करें तो ये होता है आउटडोर के अंदर, मीन्स ये होता है बाहर हमारा सारा सिस्टम। जो ये सोलर कुकर है वो होता है इंडोर, मीन्स अंदर की तरफ, जहाँ पर भी हमें कुकिंग करनी है। तो इस तरह का एडवांस सोलर कुकर के अंदर ये एडवांस फीचर दिया गया है। इसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है, ट्रैकिंग सिस्टम मीन्स जैसे जैसे सन चलता है उसको ये ट्रैक करता हुआ, इसकी जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टर की, ये भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सन की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सके और रिफ्लेक्ट करके इस ट्यूब को दे सके। तो जब सन की रेडिएशन आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा और इस ट्यूब के ऊपर, और इसको होट करता रहेगा, हीटेड ऑयल इसके अंदर घूमता रहेगा, और यहाँ पे हम कुकिंग कर सकते हैं। तो ये है एडवांस सोलर कुकर। थैंक
थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।